लो आ गई खुशखबरी फ्रेंड्स, इस तारीख को खुलेंगे और कॉलेज और स्कूल। तो फ्रेंड्स इसी बात की चर्चा को करते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलिमन 2.0 में। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं हम अपने MHRD मिनिस्टर से उनकी भाषा में। निश्चित की है कि इस 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वो पेपर होंगे। हमने कहा कि जो नीट है, जेईई है, मेंस और मेन के अलावा जो जेईई एडवांस है, इन सबकी तिथियों को भी हमने निश्चित किया। क्या बहुत बड़ा टास्क नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में? कैसे करेंगे उतने सारे क्लासरूम का अरेंजमेंट, या कैसे इतने बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स एक साथ परीक्षा देंगे? देखिए, हमारे उन छात्रों से और उनके अभिभावकों से, दोनों से मैं अपील करूँगा कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने IIT है, IIM है, NITs हैं, ICER हैं, यहाँ से निकलने वाले बच्चा और दुनिया में छाया हुआ है। हमारा IIM है, आप सोचिए 125 करोड़ की आबादी है, आप 33 करोड़ बच्चे हैं, क्या उनके लिए उतने संस्थान हैं? बहुत संस्थान है और इसके माध्यम से हम ग्लोबल बनेगा ना। स्कूल कब खुल पाएंगे, स्कूल कॉलेज बच्चे वापस कब जा पाएंगे? हम आशा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम उसका रिजल्ट भी घोषित करेंगे, ये नई परीक्षाओं का प्लस जो परीक्षा। स्कूल कॉलेज फिर अगस्त के बाद ही खुल पाएंगे? बिल्कुल, अगस्त के बाद स्कूलों को खोलने की परिस्थितियाँ बनेगी। तो फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसी लगी? और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।